सो हेलो दोस्तों, मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। एंड मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, नॉलेज हमें हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, लेकिन हमें नॉलेज अगर बाकी इंडिकेटर्स की भी होना तो एकदम बढ़िया चीज़ है, राइट। इसलिए मैंने प्लान किया है कि आप लोगों को मैं बेसिक जो सारे इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, लाइक मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, सारे इंडिकेटर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर पाए हम करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में एक इंडिकेटर रहेगा और वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर ट्रेंड को, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा एकदम बढ़िया है चार्टिंग के लिए, चार्ट देखने के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले तो सर्च करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर FX लिखा है, राइट। इस यहाँ पर जाकर आपको अपना इंडिकेटर पे क्लिक करना है, इंडिकेटर का नाम डालना है सुपर ट्रेंड। देखिए, सामने आ गया। अब ये आपसे मांगेगा कि इसमें आप क्या क्या क्राइटेरिया डालने चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डालिए। 10 and 3 का ट्राई करते हैं, एकदम अच्छा है 10 and 3 का, थोड़ा अच्छा टाइम हमें देता है इसमें, ठीक है। 10 and 3 कर सकते हैं या फिर आप 7-3 कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम इसका नॉर्मल क्राइटेरिया होता ही है वो 10 and 3 का होता है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, 7-3 से ज़्यादा नीचे नहीं आना, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, दिस इज़ कॉल्ड सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है ये। इस तरह से ये आपको मूव करके दिखाता है। ये बेसिकली करता क्या है, सपोज़ आपकी जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स यानी कि आपका जो प्राइस चल रहा है, जब तक ऊपर रहेगा ये भी धीरे धीरे प्राइस के साथ ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से फॉल करता है और ये जो लाइन है सुपर ट्रेंड की, इसको ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये ग्रीन लाइन कन्वर्ट हो जाएगी रेड लाइन में, और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस बना के दे देगा। और अभी यहाँ पर चल रहा है हमारे पास सपोर्ट, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली आपको बना के देता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इसको ट्रेड किस तरह से करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे लेकर चलते हैं, बैक टेस्ट करते हैं किस तरह से काम करेगा, और हम ट्राई करते हैं अगर इसको 10 और 3 में अच्छा ये परफॉर्मेंस नहीं देगा ना पीछे, हम उसे 9-3 करेंगे, 8-3 करेंगे, ट्राई करेंगे जो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर आप देखिए पहले रेजिस्टेंस चल रहा था, राइट। ये रेजिस्टेंस चल रहा था, जैसे ही इस कैंडल में ब्रेकआउट आया तो इसने आपको रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया, ठीक है। सपोर्ट बना और अभी तक वो पॉजिटिव है। आप देख पा रहे हैं ये जो प्राइस चल रहा है 350 का था, और अभी जो करंटली मार्केट प्राइस चल रहा है वो 450 चल रहा है। इस बीच आपको एक बार भी रेड सिग्नल नहीं मिला। ये देखिए, आप इस प्राइस को देखें, यहाँ से था 350 टू 450 चल रहा है, अभी तक एक बार भी रेड सिग्नल नहीं मिला। जब तक ये रेड सिग्नल नहीं देता हम इसमें से एग्जिट नहीं करते। तो ये बेसिकली हमें यही बताता है कि यहाँ पर बायर्स आ गए हैं, और जब तक ये रेड हो जाएगा, जैसे सपोज दैट ये इसके नीचे आएगा, रेड आएगा, तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एकदम से प्रॉफिट बुक नहीं करना, देखिए इसके पीछे भी माइंडसेट होता है, क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। जैसे ही सपोज ये रेड करता है, आपका ये इस तरह से चल रहा था ग्रीन, रेड करेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ये जो कैंडल आपकी बनेगी, इस कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, जो फर्स्ट कैंडल होगी इसको ब्रेक करने वाली, जब तक कोई और कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती आपको एग्जिट नहीं करना। अदरवाइज कई बार इसके जो सिग्नल होते हैं थोड़ा लाइक फेल सिग्नल हो जाते हैं। ट्राई करेंगे ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिले ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए। देखिए यहाँ पर, देखिए आप, इसमें बुलिश ट्रेंड था, राइट। इसको ITC में आप पहले से ही बुलिश ट्रेंड देख पा रहे हैं, नीचे से एकदम चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी सिग्नल देखिए कैसे कन्फर्म हमें करना चाहिए था। सपोज दैट कि ये था, यहाँ तक चल रहा था, तो एकदम से ही एक रेड कैंडल बनी और इसने सिग्नल चेंज कर दिया हमारा। थोड़ा स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, अगर ये ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा में आपको अच्छे से मिल जाता है, इसकी क्राइटेरिया अच्छा है रहता है। अगर आप ज़ीरोधा में इसको, मेरे लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में। तो आप आके मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए फटाफट से, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे ही इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया,
लाइक ब्रेक डाउन किया तो ये हो गया लाइक ग्रीन में रेड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका एकदम लोवेस्ट पॉइंट देखिए और इस लोवेस्ट पॉइंट के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती हमने निकलना नहीं था। तो देखिए क्लोजिंग नहीं आई, इसने साइड किया फिर पॉजिटिव हो गया। अगेन कुछ क्राइटेरिया बना यहाँ पर, हाँ बिल्कुल अगेन सेम चीज हुआ लेकिन इस बार ही लोवेस्ट पॉइंट भी ब्रेक हो गया तो काइंड ऑफ हम इसे अपना स्टॉपलॉस लगा सकते हैं। लेकिन आप फिर भी देख पाएंगे जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ये वाला लो, आप देख पाएंगे इसके नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। और आप अगर इसे ओवरऑल देखेंगे तो इसका ट्रेंड देखिए कितना बढ़िया है। इसकी एक्चुअल जो इसमें एंट्री बनी हुई थी वो है ये लेवल, ये है अराउंड 240-250 के अप्रॉक्सीमेट और अभी चल रहा हो 450, मतलब आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हर स्टॉक ऐसा करेगा और मैं कोई आपको इसमें लाइक ऐसा लालच नहीं दे रहा, ये जस्ट एक इंडिकेटर की नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको और आप इसको बोथ साइड यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, देखिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही यहाँ पर फॉल आया तो ये जैसे ही दोबारा फॉल के बाद राइज करेगा तो इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लिया और फॉल कर गया। लाइक एक जैसे हम एक छोटा सा स्विंग को भी ट्रेड करते हैं वो इसमें कर सकते थे। लाइक ये देखिए रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकडाउन हो गया, जैसे ब्रेकआउट किया एक छोटी सी रैली मिली राइट, और इस लेवल को जैसे ही देखा इसने फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रैली किया। इसमें छोटे छोटे ट्रेड बनने की भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहते हैं, ठीक है। और देखिए आप देख सकते हैं रैली, कुछ और स्टॉक देख लेते हैं, एक आधा स्टॉक और देख लेते हैं इसके अलावा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं चार्ट हमारे पास रिलायंस का है और रिलायंस में देखिए क्या चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही रिलायंस में ब्रेकआउट आया था इस लेवल पे, लाइक 2350 के आसपास आया था और अभी ये अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। काफ़ी अप्स एंड देखिए देखने में बहुत ईजी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब, तो अभी आपने इस लेवल पर एंट्री किया पॉजिटिव हुआ आपको सपोज दैट 10% का पॉजिटिव प्रॉफिट आ गया, एकदम से रेड हो गया आपके प्राइस से नीचे आ गया, फिर थोड़ा पॉजिटिव होगा सपोज 20% का प्रॉफिट आ गया एकदम से नीचे आया तो आपका 20% 10% में आ गया, एकदम से रैली आई 30% प्रॉफिट हो गया और फिर वापस 20% पे आ गया। तो ये ना अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे ही, इन चीज़ों को हमें थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है वाइल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। हमें ये अप्स एंड डाउन्स तब तक अवॉइड करना पड़ेगा जब तक हमारा सिस्टम हमें ना कह दे कि अब निकल जाओ, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट होता है। अब देखिए इस डाउनफॉल के बाद हमें क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला और फॉल देखिए। तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है और लाइक ऑप्शन सेलिंग में भी इसमें काम आता है, ठीक है, बहुत चीज़ों में ये काम आता है। ये ब्रेकआउट, ये थोड़ी रैली, ये अभी इंडिकेटर ने इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा तो ये प्रॉफिट तो आपके पास सेव हो जाएगा राइट। तो थोड़ा बहुत हेल्प ये कर ही देता है, ऐसा नहीं है कि, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है और इसको कई लोग यूज़ करते हैं और हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छे खासे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनकी कैपिटल अच्छी है, कई लोगों के आपके आपको चार्ट पे भी ये देखने को मिलेगा और कई लोग इसको एज अ कोर्स भी सिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। जो भी इसके अलावा कोई डाउट्स इस इंडिकेटर को लेकर हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आइए प्लीज़। उसके अलावा अगर आपको जो भी नेक्स्ट इंडिकेटर चाहिए जिसके बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आऊँगा, ठीक है। बाय और सेल दोनों सिग्नल ये देता है और एक और आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा इसमें, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा सा था और क्योंकि स्टॉप लॉस अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ है ये TSL करके भी देगा आपको, दे रहा है ना, आपका पहले स्टॉप लॉस इसने इस लेवल पर दिखाया फिर धीरे धीरे ऊपर लाया, आपके स्टॉप लॉस को खुद ही TSL करके दे रहा है देखिए और इधर लेकर आ गया। तो ये आपका पूरा प्रॉफिट इसने बना के दिया है, आपकी एग्जिट यहीं पर होगी रेड कैंडल के नीचे, दैट्स इट, आपको पूरा प्रॉफिट इसने बना के दिया है और स्टॉप लॉस खुद ट्रेल कर रहा है। तो इस इंडिकेटर में आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।